मैंने यहाँ पे सुना भी है कि काफी सारे कॉन्सर्ट्स के लिए प्रेक्षा को सरप्राइज देते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दैट थिंग कार थिंग राइट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आदित्य और मैं हूं प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से बता दो, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। और आज की सुबह थोड़ी वो थी, हम लाइन में खड़े हो गए किसी चीज को पाने के लिए। तो हुआ क्या है हुआ? पर अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग वो है, जहाँ से हम खड़े होते लाइन सुबह से शुरू होती है। तो आज क्या हुआ सुबह, पहले आप वो देख के आइए, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। परीक्षा कहाँ पर बिजी है? तो आज मैं जल्दी उठ गई थी बिकॉज कोल्डप्ले के टिकट्स लॉन्च हो रहे हैं और मुझे वो कॉन्सर्ट देखना है बिकॉज कॉन्सर्ट की वाइब भी एकदम अलग होती है। तो 9 बजे टिकट्स लाइव होने वाले थे और लंदन में हो रहा है और हम लोग लंदन में रहते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट एटलीस्ट वी शुड ट्राई फॉर द टिकट। आई नो टिकट्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जैसे इंडिया में पहले सेल स्टार्ट हुई थी, इंडिया में आई सॉ एवरीवन वाज वेटिंग इन लाइन फॉर लाइक 2-2 लाख 3-3 लाख एंड दे वर स्टिल नॉट गेटिंग। और सोशल मीडिया तो मतलब इन पोस्ट से भर ही गया था ना। यस, उस दिन तो सिर्फ इसी पोस्ट से भरा हुआ था, सबके यही पोस्ट देख रहे थे। टिकट मास्टर यहाँ पे चलता है फॉर टिकट्स, तो उस पर मैंने लॉग इन ऑलरेडी कर रखा था और फिर मैंने कहा कि सैटरडे को ऑफकोर्स बेस्ट वाइब्स आती है राइट, और तो फिर मैंने सैटरडे के लिए क्यू किया है। तो अभी क्या स्टेटस है? अभी स्टेटस है 40,741 पीपल अहेड ऑफ मी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब इट स्टार्टेड एट 44,000 राइट, 44,000। फिर बीच में मैं गैस पे कुछ काम कर रही थी तो मैंने आदि को पकड़ा के गई थी कि आदि मैं तो नींद में था, आदि नींद में था पर मैं इसको बोल के गई आदि प्लीज इसका ध्यान रखना। तो भाई आज मौसम भी पूरा बारिश वाला हो रहा है, विंडोज भी पूरी ऐसे बारिश वाली हो। तो इसमें से एक टिकट मास्टर हो गया और भी कुछ है मतलब स्टार्ट? हाउ डिड यू स्टार्ट? वेबसाइट से एक अच्छा। तो क्रैश ही कर गई, लाइक वो वेबसाइट लॉग इन ही नहीं हो रहा, पेज ही नहीं खुल रहा। अच्छा। और तीसरे पे मैंने क्यू किया था बट वो कुछ क्यू का मेरा नंबर नहीं दिखा रहा था तो मैंने बंद कर दिया। हाँ, मैंने यहाँ पे सुना भी है कि काफी सारे कॉन्सर्ट्स के लिए टिकट मास्टर इज अ बेस्ट ऑप्शन। ये बुक माय शो टाइप हो गया ना, ऐसे इंडिया का बुक माय शो है वैसे, उस टाइप का ऐसे ही लग रहा है ना। हाँ, तो अभी 40,000 है तो थोड़ी देर बाद वापस चेक करते हैं कि कितने पे पहुंचे हम लोग। मैंने एक और डे के लिए भी किया है दूसरे वेब ब्राउजर से तो वो मुझे दिखा रहा है 1,15,000। ये कौन सी डेट का? 31st August संडे का। यस। और ये जो है 23rd of August उसके अंदर वेटिंग क्यू बिकॉज मेरे को सैटरडे को जाना था तो सबसे पहले मैं इसी की लाइन में लगी थी। तो आई गेस 40,000 कम हो रहा है काफी पर रास्ता बहुत लंबा है। आई होप हम लोग जल्दी क्रॉस कर जा रहे, हम आपको अपडेट देते रहते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। प्रेक्षा को कॉफी सर्व करते हैं। यस। और पूछते क्या स्टेटस है अभी? थैंक यू फॉर द कॉफी। क्या स्टेटस है अभी? स्टेटस है 39,000। कितना? 5,000 कम हो गया राइट? 44 से ना जब अपन ने स्टार्ट किया था। 44 से 1,000 कितने टाइम हुआ? तो 45 मिनट्स में हमको 5,000 कम हुआ है। तो सब से कैलकुलेशन तो कौन करेगा? मतलब काफी टाइम लगे। इसका वेदर देखो 10 degrees है बट फील्स लाइक 3 degrees बिकॉज इतना बारिश। और 10 degrees फील्स लाइक 3 degrees एंड आज पूरा दिन बारिश है एंड इवन नेक्स्ट पूरा वीक पूरा रेनी है। ये सैटरडे भी आई डोंट थिंक सो सनी रहेगा, आई गेस ये भी बारिश में कन्वर्ट हो जाएगा बट या 10 days में। ये मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा 10 degree होते, मैंने जनरली देखा है कि 15 degree होता है, फीस लाइक 13 या 12 degree ऐसा। हाँ, मतलब 1-2 degree का फर्क हाँ, रहता है, ये तो डायरेक्ट आज 60 degree का फर्क है। मतलब आज एक्चुअली बारिश कब से हो रही है, लाइक जब से मैं उठी हूँ तब से तो बारिश आई है, आई गेस पूरी रात भी बारिश चली रही थी तो काफी आज ठंडा वेदर है। तो अभी परीक्षा ने मुझे एक अपडेट दिया है, क्या है परीक्षा अपडेट? ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मैसेज आ रहा है, उसमें लिखा दे रहा है करेंटली नो टिकट्स अवेलेबल फॉर दिस डेट। मतलब जो अपन डेट क्यू में खड़े थे उसी में कह रही ना, क्यू में जो है अपन। यस आई एम गेसिंग, मैं क्यू में अभी भी हूँ, हम अब सिर्फ हाफ वे तक पहुंच पाए एंड अपडेट ये कि शायद टिकट सब खत्म हो गए। आई स्टिल वेट इन द क्यू, क्या पता। तो क्यू रखने का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आ रहा राइट, अगर इन्होंने मना कर दिया तो फिर क्यू हटा देनी चाहिए ना, मतलब लॉजिकली तो सोल्ड आउट कर देना चाहिए बट
लेकिन एक क्यू मूव कर रही है अभी भी. हाँ, क्यू अभी भी मूव कर रही है, बट आई गेस पीपल आर लीविंग ना बिकॉज ये अपडेट आ गया है, तो आई एम नॉट श्योर क्यू इसलिए मूव कर रही है या क्या है. तो होपिंग एंड वेटिंग. मैंने डेट भी ऐसा चूज किया सैटरडे बिकॉज बट आई रियलाइज कि सैटरडे को सबसे ज्यादा टिकट जाते हैं. अच्छा, बट वीकडे पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो अच्छा, वीकडे पे भी टिकट है. वीकडे पे भी टिकट है, तो आई गेस उन लोग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो अगर आप बुक करें तो वीकडे का ट्राई करें कंपेयर टू वीकेंड का, बिकॉज वीकेंड पे सब लोग जाना जाते हैं, राइट? और सैटरडे स्पेसिफिकली, क्या कि संडे आराम. हाँ, तो मैंने भी सैटरडे चूज किया, देयर वाज ऑप्शंस फॉर संडे एज वेल, बट आई थिंक मैंने डेट गलत चूज किया. बट आई स्टिल कीप दिस विंडो ओपन, क्या पता लास्ट में आ जाए, अदरवाइज उनको क्यू तो बंद कर देनी चाहिए, राइट? लॉजिकली अभी मूव किया ना, 22,189 हो गया. हाँ, ये मूव हो रहा है, बट उनका अपडेट तो ये है कि देर आर नो करंटली टिकट्स अवेलेबल फॉर दिस डेट. अभी टाइम हो गया है 11:47, मतलब 12 बजने वाली है, और अभी क्यू में है 363. सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो आ गया था कि नोटिफिकेशन वापस 11:39 पे भी आया था कि देर आर करंटली नो टिकट्स, इसलिए इतना जल्दी मूव किया. अदरवाइज 44 से 34 पे आने में मेरे को 1 घंटा लग गया था. हाँ, तो इसलिए. और अभी हम 183 वन हो गया, वन पर्सन हेड ऑफ. ये क्या है, वो आ गए टू टिकट्स वी कैन राइट. हाँ, नो नहीं, दीज आर फॉर सिलेक्ट योर सीट्स. लेट्स गो फॉर 210, नो 245, टू टिकट्स एड टू बास्केट. वो आ गया स्टैंडिंग टिकट, टिकट बाय नाउ. हाँ, राइट, स्टैंडिंग टिकट. हाँ ठीक है ना, ओके, गेट टिकट्स. ये एरर आ गया यहाँ पे. सिटिंग वाली देखना एक बार, इट्स गोइंग फॉर क्रेजी. कितने की, 632 पर पर्सन, पर पर्सन ही है. यस, दिस इज 270, दिस इज 240, मतलब स्टैंडिंग वाली चीप है ना. 245 पाउंड पर पर्सन. स्टैंडिंग इज चीप बट इट्स नॉट अवेलेबल. अभी हम चेक कर ही रहे हैं और टिकट्स नहीं बुक हो रही है. यस, जो आ रहे हैं वो 245 पाउंड पर पर्सन. हाँ, और ये जा रही है 632 पाउंड पर 75. Which is like, I think, India mein it's like maximum ticket apart from VIP, it was for 6,500, I think, which was very cheap, but ये तो बहुत ही extreme जा रही है. मैं refresh करने की कोशिश भी कर रही हूँ, but कुछ हो नहीं रहा है. तो I guess standing तो चली गई है, but बाकी भी नहीं हो रही क्या? जो ये पीछे वाला जो था वो 50 पाउंड से स्टार्ट हो रहा था. हाँ, तो हमको तो वो भी नहीं मिलेगा. अब ये है, ये बार बार चेंज हो रहा है, कभी यहाँ पे आ रही है, कभी वहाँ पे आ रही है. तो मतलब अपन नहीं जा रहे हैं. आई थॉट कि हम लोग जा रहे, नहीं, मैं 9 बजे लग भी गई थी लाइन में, बट मेरा नंबर भी 44,000 था. 100 इंडिया में लोग मतलब उस नंबर में तो कर ही लेते. कोल्डप्ले को यहीं से बाय बोल दो, ऑनलाइन ही एंजॉय करेंगे कोल्डप्ले को. yes. रील्स में या शॉर्ट्स में. टेक्शन है, ये हलवा बनाया है, दाल बादाम, किसका बादाम का हलवा है, बादाम और मूंग की दाल, और घी भी एकदम मस्त लगा डाला हुआ है. तो खाके, मैं वैसे भी हलवे वगैरह का शौकीन हूँ बहुत टाइम से. ऐसे जोधपुर में जब मैं था, राजस्थान में, जैसे आपको पता ही है मीठे के बड़े शौकीन होते हैं लोग. अगर आप खाने में भी जाते हैं जनरली, आप देखो डेजर्ट लास्ट में खाया जाता है, बट हमारे यहाँ डेजर्ट पहले खाया जाता है. मैं ऑफिस से फ्री हो गया हूँ और नीचे आ गया हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ पार्क की तरफ. रिक्शा कुछ आधे घंटे से वॉक कर रही है वहाँ पे, तो उससे ही मिलने जा रहा हूँ. बाकी तो यार बहुत ठंड लग रही है. रिक्शा को सरप्राइज़ देते हैं यार, लेकिन मेरे को डाउट ही हो रहा है ना. मैंने अभी बैक कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है, तो उसको माइट भी दिख जाए इसकी वजह से. लेट्स सी क्या सरप्राइज़ सक्सेसफुल हो पाता है. नहीं यार, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं. आप देखो, वैसे कोई दिख तो नहीं रहा है. मेरे को लग रहा है वो है, और कौन है, और कोई है नहीं यार, आई थिंक वही होगी. चलो उधर चलते हैं. अरे यार, मैंने गलत जने को
पिक कर लिया, वो नहीं है, परीक्षा मेरे पीछे है और वो मुझे ढूंढ रही है। मैं कैसे बचूँ यार उसे, मैं वही सोच रहा हूँ यार। उधर पीछे मुड़ के देखूँगा तो उसको शक हो जाएगा, तो मैं चलता रहता हूँ और जब मौका आएगा ना सही मौका, उस टाइम उसको सरप्राइज़ दूंगा। मुझे परीक्षा दिख गई है, देखो हो रही। अब दिक्कत ये, अभी उसको सरप्राइज़ करने जाऊँगा ना वो पीछे वाला बंदा भी डर जाएगा, तो उसको आगे जाने देते और उन लोगों को भी जाने देते, फिर मैं उसको सरप्राइज़ देता हूँ। डर गई ना। अभी हमने रात में डिनर जो है बाहर से ऑर्डर किया है, और हमने सोचा था कि यार जो डिलीवरी एजेंट है वो डोर तक आ जाए, बट अभी मेरे को नीचे जाना पड़ा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ दैट थिंग, कार थिंग, राइट? मैंने नीचे से डिलीवरी एजेंट से खाना पिक कर लिया है, और मैं नीचे क्यों गया था मैं उसकी पूरी स्टोरी बताता हूँ यार। जब खाना यार बाहर से ऑर्डर करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार जो डिलीवरी एजेंट है डोर पे आके डिलीवरी करके जाएगा, बट हमारे साथ जब भी हम जब ऑर्डर करते हैं ना फूड यहाँ पे, हमारे पता नहीं क्या लोकेशन में इश्यू है, हमने बॉस पोस्टल कोड भी सही डाला हुआ है, पूरा डिटेल भी डाला हुआ है, प्रेक्षण इमेज भी डाली हुई बिल्डिंग की कि हमारी ये बिल्डिंग है और आपको ऐसे पूरा डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या नंबर प्रेस करना है, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, उसके बाद भी हमेशा फूड डिलीवरी में इश्यू होता है। बट ये जब भी आदित्य घर पे होता है तब होता है, मैं अकेली होती तब कभी नहीं। अच्छा, ये ऐसा भी होता है? हाँ, हमेशा जब भी आदित्य होता है हमेशा लफड़ा होता है। मैं, इट्स अ कोइंसिडेंस, बट जब भी मैं होती हूँ तो ऊपर तक हमेशा डिलीवर करके जाता है। लेकिन इसके अंदर एक आज, जैसे आज जो ये फूड डिलीवरी हमने ऑर्डर किया था तो बंदा कार में आया था। अब इश्यू क्या है, हमारे बिल्डिंग के नीचे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कि इस पॉइंट के आगे कार अलाउड नहीं है, तो इसीलिए आज मुझे नीचे जाना पड़ा। जब भी कोई कार पे आता है, कार में आता है ना, तो हमेशा ये इशू होता है। बाकी अगर मोटर बाइक पे आता है या साइकिल पे आता है तो उस टाइम भी हमेशा, अब जैसे परीक्षा ने बोला जब मैं होता हूँ तो वो इंसिडेंटली वो इशू हो ही जाता है। तो हमारे घर के बाहर की जो लेन है उधर कार्स अलाउड नहीं है, प्राइवेट कार्स अलाउड नहीं है। और ये मुझे, ये अपन का पता चला था जब हम कैब बुक किए थे, तो हमारी कैब हमारे घर से 2 मिनट वॉकिंग पे था। लाइक एकदम नीचे उतरते कार नहीं है, या फिर जो हमारा रोड है उधर भी नहीं। हमने उनको बोला कि हमारे बिल्डिंग के पास आ जाओ, तो उसने फिर जो लॉजिकल रीजनिंग दी कि यार आपके यहाँ साइन बोर्ड है जिसकी वजह से हम कार को आगे नहीं लेके जा सकते, तो उस रोड पे कार्स अलाउड नहीं है, ओनली बसेस अलाउड है, या फिर अगर कोई रेसिडेंशियल रहता है तो वो परमिट ले सकता है एक पॉइंट के बाद। मतलब क्वाइट सरप्राइजिंग चीज थी। बट आज हमने बाहर से इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज मेरे को दाबेली खाने का बहुत मन कर रहा था। मैं YouTube जब भी स्क्रॉल करती हूँ और मुझे कुछ भी खाने की चीज दिखती है तो मुझे वो फिर क्रेविंग चालू हो जाती है, तो फिर इसलिए आज हमने बाहर से मंगाया, राइट? तो लेट्स सी, दाबेली के अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स। हाँ, वो तो है ही, बट एक दाबेली मेन थी जिसकी वजह से हमने ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि मुझे बनानी थी, बट उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे तो नहीं चाहिए, बट थोड़ा आज हार्ड वर्किंग प्रोसेस हो जाता है। और बहुत टाइम से हम घर पे बना रहे थे तो हमने कहा फॉर अ चेंज एक बार बाहर से कर लेते हैं। यस, उस दिन सबवे भी आदि ने नहीं खाया था ना, तो ये बाहर का थोड़ा, और अब आज बेटर भी फील कर, बेटर फील कर रहा हूँ इसलिए। यस, तो हम दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। हमने डिनर कर लिया है और अभी हम देख रहे हैं यंग शेल्डन। प्रेक्षा ने तो यंग शेल्टन देख रखा है, तो मेरे साथ वो बस रिवाइज ही करती रहती है, तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यंग शेल्टन और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो देख के, कॉमेडी टाइप। और जो शेल्टन की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो देख के एक अलग लेवल का नॉलेज मिलता है यार। ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ, बहुत टाइम से किया है जब किसी को मैंने ऐसे डराया हो, और प्रेक्षा का रिएक्शन देख के एक प्राइजलेस रिएक्शन था, एक बहुत ही फन वाला रिएक्शन था जो आपने भी देखा। बस यार दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको क्या करना है पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है।